Vale. आई थिंक इट्स बहुत बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है एंड जैसा कि कुछ सालों पहले किसी ने कहा था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो देखो जिंदगी मिल गई। तब चार लड़कों ने कहा था, चार लड़कियों ने उनके गलत साबित कर दिया। एंड यार फिल्म दोस्ती की है, अब दोस्ती लड़के की हो लड़की की हो क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्ती दोस्ती होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर जैसा कि हम लोगों को लगता है जब लड़कों की छुट्टी हॉलीडे बेस्ड फिल्म आती है, दोस्तों की फिल्म आती है, चल कई ट्रिप पे चलते हैं, एंड श्योर इस फिल्म के बाद सारी लड़कियों को भी ये लगेगा कि हमें कहीं ना कहीं ट्रिप पर जाना चाहिए। सो नाउ मेरा काम जो है वो आधे से भी कम हो गया क्योंकि ये बात सेट इन स्टोन हो गई है दैट नाउ इवन आई विल डू माय गर्ल्स ट्रिप। एग्जैक्टली। सो थैंक यू एकता ये आसान बनाने के लिए फॉर मी। सुपर सुपर, बिकॉज आज के दौर में इतना अनयूजुअल ट्रेलर है बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स एंड द कॉन्सेप्ट एंड स्टफ, एंड उसको अगर ऑडियंस इतने प्यार से और इतने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही है, दैट मींस दे डन समथिंग राइट। सो आई थिंक यह बहुत इट वॉज हाई टाइम कि हम ऐसी फिल्में देखें, बिकॉज आई थिंक तिकुजी डॉटर्स कम ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका डेब्यू थर्ड डेब्यू आई थिंक राइट, एंड अदरवाइज इट्स गुड बी ऑसम टू सी स्वरा एंड करीना बेबू एंड स्वरा, टू डिफरेंट एक्ट्रेस और टू डिफरेंट जॉनर्स, एक कमर्शियल एक कम्प्लीटली आर्टी ऑफ सिनेमा ऑफ बीट सिनेमा, देम कमिंग टुगेदर आई थिंक इट विल बी अ सुपर कॉम्बिनेशन टू वॉच। बट यू नो द ट्रेलर एंड द डायलॉग्स आर सो रियलिस्टिक, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं जब हम साथ में होते हैं दोस्तों, तो इतना रियलिस्टिक कमर्शियल सिनेमा एक जो कॉम्बिनेशन आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ऑल दीज एक्ट्रेसेस आर फैब, तो मुझे इन चारों को देखने की बहुत एक्साइटमेंट है। ओके जैसे कि सारी लड़कियों ने आज टी शर्ट पहनी हुई है एंड नॉट अ चिक फ्लिक, अगर And how much of a chick you are, only when you need to get ready. Yeah, seriously. But I still get ready faster than him, so I'm lesser of a chick. So I can say that I'm not a chick flick. बस अब एक बार वो मेहमान आ जाए उसके बाद it's going to be a lifelong वीरेकी wedding for us, celebration for us. अब आपको यहाँ पता चल रहा है असली दोस्ती कहाँ है, देखो लुक एट द कोऑर्डिनेशन ऑफ रोहित एंड लुक एट दिस टेलीपैथी देखो हमारी। अनीता ने सबको लाइफ में बड़ा किया है, इन्होंने एक फिल्म बनाई सिर्फ नागिन प्रमोट करने के लिए, आप समझ रहे हो। हाउस वार्मिंग आई थिंक कोई भी पार्टी इज अबाउट द वीरेज फॉर द वीरेज एंड बोथ द पार्टीज हमने बहुत इंजॉय की, वी ब्रॉट द हाउस डाउन लिटरली, इसलिए हमने घर के नहीं टेरिस पे पार्टी रखी थी क्योंकि हमें डर था कि दे लिटरली ब्रिंग द हाउस डाउन। यार हमने अपने सब दोस्तों को बुलाया था एंड लाइक अनीता सेड वी हैड अ ग्रेट टाइम, तो वीरो ने पूरी एकदम वीरगिरी दिखा दी थी उस दिन। गुड टाइम वीरो ने चीर दिया घर, वीरो ने चीर दिया घर।
आप सब चिल्ला रहे हैं। Okay, Neelam, what are you expecting tonight? कैसा लगा ट्रेलर उसके बारे में बताइए। I'm looking forward to this film because in real life, actually, Ekta is one of my veeres. So, I mean, whatever I've seen in the trailer and the sense of humor, I relate to it in the sense I have a bunch of friends and we crack these jokes and yeah. So I'm looking forward to it. I'm excited. Okay, फिल्म में करीना है, सोनम है, सौरा है और भी काफी लोग हैं। उनके बारे में बताइए किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप एक्साइटेड? I'm excited to see all because it's a different role. Alag role hai sab ke liye. I think first time they're playing a role like this. So I'm excited to see it. जैसे कि सबने टी-शर्ट पहन रखी है, I'm not a chick flick. अगर आपके अगर बात करें तो आप रियल लाइफ में कितने आप chick flick हैं या नहीं हैं? आप कितना chick flick हैं? हाँ, मैं जरूर हूँ, but not so much now. Now I like drama. I think I've progressed from chick flicks. All right. Thank you. Thank you all.